अच्छी लगी, इसके आगे भी हम काम करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। ये शो मेरा पहला है समीर भाई, जोरदार तालियां समीर भाई। और इसके लिए ये मेरी कोच है अलीना खान के हीरो है सर, इनका पहला गाना है। गाना बहुत खूबसूरत है, हमारे शबाब भाई ने म्यूजिक किया है और बहुत अच्छा लिखा है जमील भाई ने। पहले भी हमारे गाने काफ़ी आए हैं, अभी बीच में एक फिल्म आई थी लॉपर स्क्वायर विक्की कौशल की, जो नेटफ्लिक्स की मूवी थी, उसमें हमारे दो गाने थे सोहेल सैन का म्यूजिक था, तो वो भी बहुत खूबसूरत गाने, काफ़ी हिट हुए हम गाने, मकबूल करके एक सॉन्ग आया था। उसके बाद फिर अभी ये मोरा वाला गाना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत खूबसूरत लिखा है जमील भाई ने। गाने में खास बात ये है कि एक तो सूफी बेस है गाना, सूफी टच है इस गाने में, और खास बात ये है कि बहुत अच्छा लिखा है गाना, कुछ डिफरेंट है जो गाने होते हैं उनसे थोड़ा हटके है, क्योंकि थोड़ा कमर्शियल भी आया है गाने में, थोड़ा एक नया स्टाइल भी आपको उनक लाइन में सुनने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छा अभी एक फिल्म आई थी इंडियाज मोस्ट वांटेड, अर्जुन कपूर की, उसमें वंदे मातरम गाना जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो गाना बहुत चल रहा है, मैंने और साहब ने गाया है। ये 200-300 लोग जो आए हैं इधर, उन सबका मुझे शौक होने से मैंने ऐसा लग रहा था कि क्या करूँगा यार, कैसे होगा, क्या हो पाया, लेकिन मेरे अंदर एक हिम्मत, मेरे अंदर एक हिम्मत थी, और वो हिम्मत थी कि डिम्बल जो मेरी कोरियोग्राफर है, एक्चुअली मेरा जब गाना शूट हो रहा था तब भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी, और इस बार जब मैं शो कर रहा था तो मैंने डिम्बल को बोला कि डिम्बल हम कर पाएंगे, हो पाएगा। डिम्बल ने बोला सर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ये हो पाएगा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हैप्पी हूँ मेरी म्यूजिक लॉन्च के लिए, मेरे एल्बम के लिए, मेरे सॉन्ग के लिए, मेरे को एक्टर्स सौरभ, अंजलि, एलिना, आकांक्षा एंड कृष्णा, ये सब जो कोएक्टर हैं उनके लिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया है और काफ़ी अच्छे से मेरे साथ काम किया है, नेक्स्ट भी हम कुछ अच्छा करेंगे। मेरी कंपनी शिनाया फिल्म एंड एक्टिंग, शिनाया फिल्म एंड एक्टिंग एक, ये शिनाया एक मॉडलिंग एजेंसी है, और मॉडलिंग एजेंसी में आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, मॉडलिंग एजेंसी एक शो करती है, एक कास्टिंग करती है, एक मॉडल को ब्रेक देती है, एक प्लेटफॉर्म होता है एक मॉडल के लिए, एक हम सोचते हैं कि हमें एक्टर बनना है या मॉडल बनना है, तो हम किसी डायरेक्टर या डायरेक्टर किसी से नहीं मिल पाते हैं, तो ना मिल पाने की वजह से हम एक प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं, वो प्लेटफॉर्म होता है मॉडलिंग या कास्टिंग एजेंसी, जिससे हम जाते हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये मेरी एक मॉडलिंग एजेंसी है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 2-3 मंथ में अपना एक एक्टिंग स्कूल शिनाया के बारे में बताइए, म्यूजिक किस तरह से आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली म्यूजिक मैंने किया है जी, हमारे जमील अहमद साहब हैं, बड़े अच्छे दिल से अटल हैं, और संदीप भाई ने मुझे ऐसे ही फ़ोन किया था कि यार कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ एल्बम करना है मुझे ऐसा ऐसा, तो हम लोगों ने पहला एक मुखड़ा बनाया, फिर उनको सुनाया, उस पर काफ़ी मेहनत किया इन्होंने, स्टूडियोज वगैरह भी गए, खुद मेहनत किया इन्होंने, बहुत अच्छा इनको नॉलेज भी है म्यूजिक का, ऐसा नहीं कुछ भी बना के दे दो और वो हो जाएगा, बहुत मेहनत किया इन्होंने करवाया, और अल्टमस से बाकी के बाद में गवाया हम लोगों ने, वीडियो बना के। एक्चुअली ये जो गाना है मेरा जो म्यूजिक एल्बम है मुलाकात बाकी सॉन्ग मोला मेरे मोला, ये गाना कंपोज किया था हम लोगों ने 6 महीने, हमारे जमील भाई ने मोला मेरे मोला ये खूबसूरत लफ्जों के शब्दों के बादशाह है ये लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा है, बाजार का गाना भी आपने सुना होगा, और मेरा जो गाना है मोला मेरे मोला वो भी वो इन्हीं के हैं, इन्होंने ही लिखा है, और ये तो आप मिल ही चुके हैं मिस्टर शबाब आजमी, ये म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन मेरा पंजाबी सॉन्ग है जो रैप सॉन्ग है, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ गोवा जाएंगे, उसको शूट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और वो हम लोग अभी मेरा सॉन्ग भी देखा जो हम लोगों ने किया है समीर और हम सब लोगों ने, तो अब वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को कैसा लगा, बस आप लोगों का प्यार चाहिए कि आप बहुत सारा प्यार दो, अगर मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ और चाहते हो कि मैं बहुत आगे तक जाऊँ तो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और ढेर सारा प्यार देते रहो, मैं और समीर हम लोग पूरी टीम और आगे जाए और अच्छा करें और अच्छा आप लोगों को लेकर दिखाएं कि हाँ हम लोग कितना अच्छा कर रहे, तो समीर बाकी आप समीर से पूछ।
फर्स्ट टाइम कुछ काम करते हैं, फर्स्ट टाइम हम कोई शो करते हैं, फर्स्ट टाइम हम स्टेज पे आते हैं, फर्स्ट टाइम हम एक्टिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम हम कैमरे के सामने आते हैं, हाँ फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो थोड़ा डर लगता है, थोड़े बोल गबगबाते हैं, हमारी जवान गड़बड़ाती है, शर्माती है, लेकिन वो करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि हम सबके सामने बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमें मुलाकात बाकी सोम बोला मेरे बोला ये सारे क्रू उसमें काम कर रहा है और मैंने जो इन्होंने उनके टैलेंट ने उससे इनसे काम दिया।